हेलो दोस्तों, मैं हूँ A3 और आप देख रहे हैं A3 मोटर। दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ गए हैं बजाज की तरफ से RS 200। RS 200 पल्सर के ही एक भाई है मान लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं RS 200 की कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ के बारे में। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए मिलते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक की प्रॉस के बारे में, यानी कि इस बाइक की खूबियाँ के बारे में। इस बाइक की कई सारे खूबियाँ हैं, उसमें उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर आता है वो है इस बाइक के इंजन। इस बाइक में आपको मिल जाते हैं 199.5 सीसी की इंजन, यानी कि 200 सीसी की इंजन, जो कि आपकी 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ कंपाइंड किया हुआ है। यहाँ पर आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है। पावर आउटपुट की बात करें तो इंजन आपकी 24.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 9000 rpm पर, और 18.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7500 rpm पर। तो दोस्तों इस बाइक का जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो है इस बाइक का कंफर्ट। इस एक फुली स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है और फुली फेयरिंग कैटेगरी की बाइक है, इसके बावजूद भी इस बाइक में आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको मिल जाते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार, जिस वजह से आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है और अच्छा खासा एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है ये RS 200। इसके अलावा बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको मिल जाता है मोनोशॉक एब्सॉर्बर, जो कि हर सड़क पर, चाहे सड़क कच्ची हो या पक्की, हर सड़क पर ये बाइक आपको अच्छा खासा कंफर्ट प्रोवाइड करता है और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा दूसरी प्लस पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी प्लस पॉइंट के बारे में, जो है इस बाइक की सेफ्टी, जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बात करें अगर इस बाइक की सेफ्टी की, इस बाइक में मिल जाता है डुअल चैनल ABS, और ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 300 mm की डिस्क ब्रेक, और रियर में आपको मिल जाता है 230 mm की डिस्क ब्रेक। और ये बाइक की डिस्क और ब्रेक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा और भी सेफ्टी की बात करें तो इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर भी मिल जाते हैं सेफ्टी के तौर पर। तो यह इस बाइक के सेफ्टी के मामले में अच्छा है बाइक। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस बाइक की चौथे प्लस की, तो वो है इस बाइक का सर्विसिंग कॉस्ट। देखिए ये बजाज का प्रोडक्ट है, जिस वजह से एक फुल्ली मेड इन इंडिया की बाइक है, और इस वजह से इस बाइक के जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स है या कोई भी चीज़ अगर आपका ख़राब हो जाता है, खुदा ना खास्ता, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कभी भी ख़राब हो जाता है तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ती प्राइस में मिल जाते हैं, जिस वजह से आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस बाइक को टाइम टाइम पर सर्विसिंग किया हुआ है, तो आपकी मैक्सिमम इस बाइक का जो सर्विसिंग कॉस्ट 800 से लेकर 1000 रुपये तक ही आएगा। 800 से लेकर 1000 रुपये के अंदर इस बाइक का फुल्ली जो सर्विसिंग है वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे बजाज पल्सर RS 200 का प्रॉस पॉइंट और प्लस पॉइंट। तो देखिए हर पहलू के दो सिक्के होते हैं। क्या बोला तूने? नहीं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से इस बाइक के भी ये जो प्लस पॉइंट है उसके साथ साथ कुछ खामियां भी है, यानी कि कुछ कौन से। तो चलिए अब हम कुछ कौन को जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे हम इस सब कौन को एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस बाइक की कौन की, तो इस बाइक का जो सबसे पहला कौन मुझे याद आता है, मुझे जो लगता है, जो कि शुरुआत के समय से RS 200 की, मतलब जब 2015 या 14 में, शायद 15 में इस बाइक का जो लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक ये जो प्रॉब्लम है वो इस बाइक में लगातार हमें देखते रहे। हालांकि बजाज ने यहाँ पर कई सारे अपडेट किए हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हो वो अपडेट नहीं किया है। और सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। देखिए खास करके हम बिल्ड क्वालिटी नहीं कह सकते, क्योंकि इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है, मतलब जो मटेरियल है वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पैनल गैप है वो शुरू से लेकर अभी तक इस बाइक में देखा गया है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज शॉट दिखा दूंगा, यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई देगा, जिस वजह से आपको उतना ज़्यादा फिट एंड फीलिंग्स नहीं लगेगा इस बाइक को देखने में। तो दोस्तों अगर बात करें हमारे दूसरी कॉन्स के, तो है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से मुझे इतना ज़्यादा पर्सनली दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजिटल एनालॉग की कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि खास करके आजकल की बाइक में देखने को नहीं मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, इस बाइक का जो प्रॉब्लम मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, वो है इस बाइक का गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं होना। इस बाइक में आपको मिल जाता है 6 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ जब आप इस बाइक को चलाते हैं तब आपको प्रॉब्लम फील होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि बाइक आपकी है क्यों कितने गियर में, क्योंकि 6 स्पीड गियर बॉक्स अच्छा बड़ा गियर बॉक्स होता है। इस वजह से बजाज को क्या करना है, इस RS 200 में गियर पोजीशन इंडिकेटर दे देना चाहिए, जो कि मुझे सबसे बड़ा दिक्कत लगता है इस बाइक का। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस बाइक की तीसरी और आखिरी कॉन्स के बारे में, जो कि मुझे पर्सनली लगता है इस बाइक का जो रियर व्यू मिरर है वो है। इस बाइक का जो रियर व्यू मिरर है वो इस बाइक के बोनट में जो सेटअप किया हुआ है, और इसका जो व्यूअर एंगल है वो तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, वो पर्सनली मुझे दिक्कत लगता है। अगर आप में से कहीं को दिक्कत लगता है, और आप में से किसी के पास अगर RS 200 है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस, जो आपको इनमें से जितने भी हमें प्रॉस या कॉन्स बताइए, कौन कौन सी प्रॉस के साथ आप रिलेटेड करते हैं और कौन कौन सी कॉन के साथ आप रिलेटेड करते हैं। तो दोस्तों ये था RS 200 की प्रॉस एंड कॉन्स।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो। आप कमेंट में बताइए आपके ओपिनियन कि आपको वीडियो देखने में कैसा लगा। तो दोस्तों यही था इस सब बाइक की प्रॉस और कॉन्स। आप कौन कौन सी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ रिलेटेड करते हैं हमारे वीडियो देखकर, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। अगर आपके पास RS 200 है तभी आप कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो के यहीं पर आखिर में ख़त्म करते हैं और अब हम इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट को सुन लेते हैं। तो दोस्तों बाइक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सुन सकते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो दोस्तों आपने सुन लिया है इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। मुझे पर्सनली बताओ तो मुझे इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है और ज़्यादा रेप करने भी जो एग्जॉस्ट नोट का साउंड है वो फटता नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। और तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ओपिनियन कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो देखने में कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए।